नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे अहम जानकारी की ओर। बता दें कि कंजक्टिवाइटिस पर सीएम बघेल सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री आवास पर हाई लेवल बैठक जारी है। रोकथाम के उपायों की कर रही है सीएम समीक्षा, और बैठक में स्वास्थ्य मंत्री समेत कई मंत्री मौजूद है। तो कंजक्टिविटी वायरस पर अब सीएम बघेल सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक लगातार जारी है, हाई लेवल ये बैठक चल रही है, और ऐसे में सभी यहाँ पे मंत्री मौजूद है कैबिनेट के। और मुख्य तौर पे अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है। किस तरीके से काबू पाया जाए, क्या ऐसा किया जाए ताकि फैलने से रोका जाए, सब चीज़ों को लेकर मंथन चल रहा है। क्या स्कूल को बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर वायरस जो है छोटे बच्चों में देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कंजक्टिविटी वायरस पर सीएम बघेल अब सख्त नजर आ रही हैं। हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है मुख्यमंत्री आवास पर, और स्वास्थ्य मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है। कैसे रोकथाम इसका किया जाए, कैसे लोगों को बचाया जाए, इसको लेकर तमाम समीक्षा चल रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चित्रा पटेल जुड़ चुकी है। चित्रा, हाई लेवल मीटिंग चल रही है, क्या क्या ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है इस मीटिंग से? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निवास में आज मुख्यमंत्री अधिकारियों और कर्मचारियों को बैठक ले रहे हैं। इसमें कंजेस्टिव अशीन जो आग जो बीमारी है, जो रेड कलर का जो फैला हुआ था आंख में, पहले उसका लक्षण दिखता है रेड कलर का, और आंख पूरा लाल लाल हो जाते हैं, खुजली होती है, और अंदर में थोड़ी फुंसी भी हो सकती है आंख के अंदर। तो इस तरह से बीमारी का लक्षण है, उसकी रोकथाम के लिए उसको कह सकते हैं कि आई फ्लो जो है बीमारी, उसको रोकथाम के लेकर जो है मुख्यमंत्री आज हाई लेवल की मीटिंग ले रहे हैं। इसमें इस मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री टीएस यादव भी मौजूद है, मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी भी मौजूद है। छत्तीसगढ़ में भी यह बीमारी फैलते हुए दिखाई दे रहा है लोगों में, कुछ लोगों में दिखाई दिया है। बस्तर क्षेत्र में यह एक देखने को मिला है, और यहाँ जसपुर दुर्ग संभाग में भी बीमारी को देखने को मिला है। तो इससे जो है राज्य सरकार सतर्क हो चुकी है, और इसको रोकथाम के लिए जो है आज हाई लेवल की बैठक बुलाई गई है। इसमें स्कूल शिक्षा और आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के संचालक को परिपत्र जारी द्वारा भी किया जा रहा है, और छात्रावासों आवासीय विद्यालय आश्रम छात्रावास जो है इस बीमारी के बचाव के लिए जो आवश्यक निर्देश किए गए हैं, और कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य के बच्चों को जो है इस संक्रमण के लक्षण को उपचार और बचाव की जानकारी देने को कहा गया है। वही जो है लोगों को जो है वहां तक जनसंपर्क भी कह सकते हैं कि उसमें लोगों तक जानकारी देने के लिए भी स्कूल शिक्षा और जो क्षेत्र है वहां पर लोग जानकारी दिया जाए, प्रसारित प्रसार किया जाए, क्योंकि यह संचारक महामारी नियंत्रण द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को भी दावी पत्र किया गया है, और आंख में आने की बीमारी कह सकते हैं इस बीमारी को, और इसे संपर्क में आने से भी फैलता है, और जिसको बीमारी हो रहता है उसको सीधे सीधे आंख को देखने से जो है उसको संक्रमण दूसरे को फैलता है। इस तरह से इसकी बचाव के लिए जो है हाई लेवल की मीटिंग बुलाया गया है। जी, अगर बात की जाए तो बच्चों में ज्यादातर बीमारी देखने को मिल रही है, क्या स्कूल बंद कर दिए जाएंगे जब तक ये काबू में नहीं आता वायरस? देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी दो ही संभाग में देखने को मिला, एक बस्तर संभाग है, दूसरा जो है दुर्ग संभाग में बीमारी को जो, तो उस क्षेत्र को जो है स्कूल स्वास्थ्य विभाग को जो सूचना दी गई है कि इससे बचाव के लिए जिसमें जिसमें लक्षण देखने को मिलता है उसके उपचार को, उसके लिए उसके जो है उस पेरेंट्स को और उस बच्चे को, स्कूल को, टीचर को, सबको सूचना दी गई है। जिस बच्चे को यह हुआ है उस बच्चे को जो है उसको छुट्टी दिया जा रहा है, और उसको उपचार के लिए पूरी सुविधा राज्य शासन की ओर से कराया जा रहा है, उसकी इलाज किया जा रहा है, और उसकी इलाज जो है फ्री में हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार जो है सुविधा जो है वो शासकीय हॉस्पिटल में अभी तक फ्री है, और वहाँ पर दवाई का ही पैसा देना पड़ता है। जी, तो पूरे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे एरिया जहाँ पे सबसे ज्यादा ये वायरस फैला हुआ है इस वक्त? चित्रा, देखिए, ये इस वायरस तो अभी फिलहाल देखें तो दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग में अभी 2% सामने आए हैं, और इस क्षेत्र में बचाव के लिए वहाँ पर निर्देशित किया जा चुका है स्कूल विभाग को और शिक्षा विभाग को। एक बीमारी से जो है इसकी आंख लाल हो जाता है और कीचड़ आता है, आंसू आते हैं, और उसमें आंख में चुभन भी होती है, सूजन भी होता है, और जो है एक इसका फैलने का जरिया है कि एक जिस व्यक्ति जो मरीज हुआ है अगर
दूसरा कोई इंसान उस मरीज को देखता है, सीधे आई कांटेक्ट किया जाता है, तो आई कांटेक्ट से भी फैल सकता है। और जिसको हुआ है वो अपने आँख को जो अगर छूता है, आंसू निकलता है, रम जाता है, जैसे कि आँख को रमंजना बोलते हैं, तो उसे तो उसको हाथ को स्वच्छ रहने के लिए भी निर्देशित किया गया है। बच्चों को समझाया जा रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग से जो है कर्मचारी स्कूल में भी जा रहे हैं और इस बीमारी का जानकारी स्कूल में भी दे रहे हैं, जगह जगह पर भी दिया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि मीटिंग के बाद क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आती है। बने रहिए हमारे साथ, अगले खबर में भी आपका रुख करेंगे। और संविदा कर्मचारियों की हड़ताल का 26वां दिन आज है और संविदा कर्मचारियों को मिला अन्य सामाजिक संगठनों का समर्थन, और ऐसे में 26 दिन भी ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है जब संविदा कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनको सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल चुका है और अखिल भारतीय किसान महासंघ समेत कई संगठनों ने इनका समर्थन दिया है। एस्मा लगने के बाद भी कर्मचारियों का आंदोलन जारी है लगातार, और ऐसे में कई दिनों से ये लगातार आंदोलन हो रहा है और इसको लेकर अलग अलग जगह पे हड़ताल लगातार की जा रही है और आज 26वां दिन है। 26वां दिन भी लगातार हड़ताल विरोध प्रदर्शन जारी है और ऐसे में कई सामाजिक संगठनों का समर्थन भी लगातार संविदा कर्मचारियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अखिल भारतीय किसान की तरफ से भी ये समर्थन दिया गया और ऐसे में एस्मा लगने के बाद भी कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है और इसी से पता चलता है कि कर्मचारियों के अंदर कितना रोष नजर आ रहा है सरकार के खिलाफ। लगातार हमारे साथ चित्रा बनी हुई है। चित्रा, 26वां दिन है और लगातार ये प्रदर्शन जारी है। देखिए, प्रदेश भर के 45,000 संविदा कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, 3 जुलाई से प्रदर्शन कर रहे हैं, आज 26 दिन हो गया इनके प्रदर्शन को लेकर। उनकी मांग है कि नियमितीकरण की मांग है और साथ में जो है उनकी 42 साल के उम्र में रिटायरमेंट और शासकीय कर्मचारियों की बराबर जो है वेतन उनको दिया जाए, उनकी सुविधाएं दी जाए सहित जो है नियमितीकरण की मांग को लेकर अपने जीत मारे हुए हैं। और कुछ 2 दिन पहले जो है इन लोग राज्य सरकार से अधिकारियों से टाइम मांगने के लिए दंडवत प्रणाम करते हुए को कड़ी संघर्ष के बीच जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो बारिश का मौसम है, ऐसे मौसम में भी महिलाएं पुरुष और जो है सभी अपने परिवार घर परिवार को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं अपने बच्चे को लेकर प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनको नियमितीकरण की जाए और जो है 13 महीने का सैलरी उनको दिया जाए सहित जो है कई मांगे हैं। और सभी संगठन जो है इनको समर्थन दे रहे हैं, वहीं भाजपा भी समर्थन दे रही है। वहाँ राज्य सरकार ने तक यह बात पहुंची, उन्होंने जो है कैबिनेट की बैठक में कुछ दिन पहले हुए कैबिनेट की बैठक में निर्देशित किया था कि सचिव को कि उनकी प्रदेश भर के कर्मचारियों के जो मांग है वो मांग जो है उस पर जो है समीक्षा की जाए। और इसको लेकर जो है कल हमने मंत्री रविंद्र चौबे से बात की, जो उन्होंने कहा कि जो है 15 अगस्त तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नियमितीकरण का जो है। तो क्या जो सरकार की तरफ से लगातार बात कही जा रही है चित्रा, वो बात कर्मचारियों तक नहीं पहुंच पा रही क्या कि हम पूरी जांच पड़ताल करेंगे, कहाँ पे क्या कमियां है उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद से भी हड़ताल चल रही है? देखिए, इसको लेकर जो है सरकार जो है छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के हित में जो है अभी कुछ दिन पहले 70% डीएक बढ़ाने का फैसला लिया। उनका कहना है कि हम हमारे कर्मचारियों का जो मांग है वो हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इसको लेकर जो है कल मंत्री रविंद्र चौबे ने साफ तौर से कहा है कि हम मंत्रिमंडल स्तर में चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव को सभी सरकारी विभागों को जो है 25 जुलाई तक एक पत्र जारी किया गया है, इसमें और नए सिरे से संविदा का और दैनिक वेतन भोगी नियमित दैनिक श्रमिकों की जानकारी मांगी गई है इसमें। और इसमें इस लेटर में जो है 2004 2018 2019 और 2023 तक के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति और संविदा नियमित के लिए जो है वेतन कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को अलग अलग जानकारी तैयार करने का भी कहा गया है। जी, तो कितने कर्मचारी हड़ताल के लिए निकल पड़े और बात की जाए तो उनको सामाजिक संगठन का समर्थन भी मिल रहा है, कितने ऐसे सामाजिक संगठन है जो उनके समर्थन में उतरे हैं इस वक्त? देखिए, प्रदेश भर के 45,000 कर्मचारी इस प्रदर्शन में शामिल हैं और सभी विभाग के हैं, स्वास्थ्य विभाग के हैं, मनरेगा विभाग के हैं, सभी विभाग के हैं जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी वेतन भोगी ये प्रदर्शन में शामिल है अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर। और इनका कहना है कि उनका आरोप है कि राज्य सरकार जो है 2018-19 में चुनाव के
पहले जो है वादा किया था या अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था कि नियमितीकरण की और उसको पूरा नहीं करने को लेकर आयकर कर्मचारी आक्रोशित है और राज्य सरकार का कार्यकाल जो है अब 4.5 साल से ऊपर हो गया है, तो अब तक उनकी जो है इंतजार भी जो खत्म हो चुकी है और प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मानसून के सीजन है, ऐसे में भी वो अपना प्रदर्शन। बिल्कुल 26 दिन हो चुके हैं इस हड़ताल को लेकर चित्र, आप देखना होगा कि आगे और कितने दिन ये हड़ताल जारी रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे। भिलाई में सीआईएसएफ जवानों की बिल्डिंग का बरामदा गिर गया। बता दें कि भिलाई इस्पात संयंत्र के बोरिया गेट पर तैनात सीआईएसएफ की टुकड़ी इस्पात संयंत्र के हॉस्टल में रहती है। हालांकि 100 से ज्यादा जवान इस हादसे में बाल बाल बच गए, तो वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारी सीआईएसएफ और डीआईजी मौके पर मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें हैं, बता दें कि किस तरीके से यहाँ पे बरामदा गिर गया है और ऐसे में बाल बाल यहाँ पे 100 से ज्यादा अधिकारी बच चुके हैं, लेकिन गनीमत रहेगी अगर जो भी इसके नीचे होता वो दब जाता, गनीमत रहे कि कोई भी इसके नीचे नहीं था। और ऐसे में बता दें कि डीआईजी मौके पर मौजूद है और ऐसा कहा जा रहा है कि कमज़ोर था जिसके कारण ये गिर चुका है। बोरिया गेट पर तैनात यहाँ पे टुकड़ियाँ भी मौजूद थी कहीं ज़्यादा, और ये तस्वीर उस समय की है जब आपके साथ साझा कर रहे थे कि किस तरीके से ये पूरा ढह गया है और अगर इसके अंदर भी कोई मौजूद रहता तो उसकी जान नहीं बचती। गनीमत रही कि ना नीचे कोई था ना इसके अंदर कोई मौजूद था, अगर होता तो एक से दो जान यहाँ पे जा सकती थी। और ऐसे में देखिए 100 से ज़्यादा जवान जो है वो बताए जा रहे हैं यहाँ पे रहते हैं जिनकी जान बाल बाल बच चुकी है। तो बिल्डिंग की छत गिरी है, सीआईएसएफ जवानों की बिल्डिंग की छत गिरी है, वो इसमें रहते थे। और ऐसे में इस्पात संयंत्र के बोरियो गेट के पास ये बड़ा हादसा हुआ है और 100 से ज़्यादा जवान ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि इसमें रहते थे। गनीमत रही कि कोई था नहीं इसमें उस वक्त, वरना बड़ा हादसा यहाँ पे हो जाता। फिलहाल अब आगे की जांच शुरू कर दी गई है, मौके पर डीआईजी मौजूद है और ऐसे में जानकारी जुटाई जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संध्या हमारे साथ जुड़ चुकी है। संध्या, गनीमत रही कि कोई इस वक्त मौजूद नहीं था, वरना कई जाने जा सकती थी। जी बिल्कुल स्वीटी, ये अच्छा रहा कि उस समय वहाँ कोई जवान नहीं था, सब अपनी ड्यूटी में लगे हुए थे, नहीं तो कोई एक बड़ा हादसा हो सकता था जिससे जान माल का काफी नुकसान हो सकता था। लेकिन समय रहते वो वहाँ के लोग हट गए थे और उसके बाद वहाँ पे तत्काल बड़े अधिकारी पहुंचे और पूरे मौके का मुआयना किया और तत्काल उस बिल्डिंग के मरम्मत के भी निर्देश दिए गए हैं। तो क्या पहले बिल्डिंग के मरम्मत के निर्देश नहीं दिए थे, क्योंकि तस्वीरों में जो नजर आ रहा है बिल्डिंग काफी पुरानी दिख रही है। संध्या जी बिल्कुल, भिलाई इस्पात संयंत्र जब बना था उसके बाद ही ये रहने के लिए हॉस्टल बनाया गया था जहां अब ये जवान रह रहे हैं, जिनके लिए ड्यूटी जो उस भिलाई स्टील प्लांट, क्योंकि एशिया का बहुत बड़ा एक फेमस प्लांट है, उसकी सुरक्षा के लिए लगे हुए जवानों और उससे संबंधित अधिकारियों के लिए वो बनाया गया हॉस्टल है, जिसको बनाया लगभग 40 साल से ज्यादा हो गया, जिसके लिए कई बार इसको बनाने की मांग उठ चुकी है, लेकिन इस ओर प्रबंधन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चूंकि पूरा जो मामला आता है सेल डिपार्टमेंट दिल्ली से संचालित होता है, इसलिए इसमें काफी देरी भी हो रही है ऐसा यहाँ के अधिकारियों का कहना है, लेकिन लगातार इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो बिल्डिंग गिरने के बाद क्या किसी की प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है, अब उनका क्या कहना है? जी इस मामले में बेस्ती इस्पात संयंत्र के किसी भी अधिकारियों से जब संपर्क अगर आप करते हैं तो वे कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं रहते हैं, क्योंकि ये पूरा सेल डिपार्टमेंट जो है दिल्ली से संचालित होता है और इस मामले में कुछ भी जो आधिकारिक बाइट होती है वो सेल के द्वारा ही दी जा सकती है। यहाँ पे आम जनता की बात नहीं है, यहाँ पे सीआईएसएफ जवानों की बात है। संध्या, साफ तौर पे नजर आ रहा है अगर एक भी जवान इसमें मौजूद होता तो उसकी जान नहीं बचती और ऐसे में ये बड़ी लापरवाही है। जी कहीं ना कहीं लापरवाही तो है, इसके लिए सेल प्रबंधन जो भिलाई इस्पात संयंत्र की जो मैनेजमेंट की टीम है लगातार कोशिश कर रही है कि बिल्डिंगों के रेनोवेशन के लिए, जो बिल्डिंगें काफी पुरानी हो चुकी है, इससे और भी कुछ बिल्डिंगें हैं जो बहुत लंबे समय से जीर्णोद्वार के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक उसके रास्ते साफ नहीं हो पाए, जब सेल प्रबंधन द्वारा लगातार इसकी कोशिशें की जा रही है। तो सवाल तो उठने लाजमी है ना, जो जवान आपकी रक्षा करने के लिए तैनात रहते हैं उनकी रक्षा किस तरीके से हो? जी बिल्कुल, ये बात, ये स्थिति तो बहुत ही दयनीय है, जो देश की सुरक्षा और आम जनता की सुरक्षा के लिए रखे गए उनकी ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है, जिस ओर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों को भी इसके लिए आगे आना होगा और सेल प्रबंधन को भी तत्काल इसमें आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। जब मरम्मत की बात कही गई थी उस समय अगर मरम्मत वक्त पे हो जाता तो हो सकता था कि ये स्थिति इस वक्त नहीं देखनी पड़ती।
इस संबंध में यहाँ के अधिकारियों का कहना है स्वीटी की मतलब कई बार इसके लिए प्रबंधन द्वारा हायर अथॉरिटी के लिए पत्राचार किया गया है लेकिन प्रॉपरली इसका जवाब नहीं आता और इसकी प्रक्रिया होती है जो सेल तो के द्वारा की कमी कहाँ रह गई, ऊपर तक बात क्यों नहीं पहुंच पाई इसको ठीक करने के लिए? जी इसमें चूंकि अधिकारियों का कहीं ना कहीं कमी आप मान सकते हैं कि पत्राचार में उनके जो कार्यशैली उसको लेकर के लापरवाही बरती गई जिसकी तहत यह हादसा हुआ है और इसके लिए अब कुछ ना कुछ मामला दर्ज होने की बात जैसी भी कही जा रही है। अभी आने वाले दिनों में क्लियर होगा कि आगे क्या इसमें स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। 100 जवान ऐसे बताए जा रहे हैं जिनकी जान बाल बाल बच चुकी है, उनमें से किसी की प्रतिक्रिया किसी का बयान निकल के सामने आया संध्या? चूंकि ये सीधे सेंट्रल से जुड़ा मामला रहता है स्वीटी तो इसमें कोई भी बचने बोलने से काफी अधिकारी बचते हैं। प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पाया। तो ये हादसा हुआ किस वक्त, क्या उस समय ज्यादा बारिश हो रही थी, नमी यहाँ पे ज्यादा पैदा हो गई थी क्या? जी दुर्ग जिले में काफी लंबे समय से बारिश हो रही है, रुक रुक करके बारिश हो रही है और बिल्डिंग काफी पुरानी हो चुकी है और उसकी मरम्मत की काफी दिनों से यानी कोशिश भी की जा रही थी और उसको जरूरत भी थी जो कि नहीं किया गया, इस वजह से हादसा हुआ है और उसके बाद आगे प्रबंधन बिल्कुल बड़ा हादसा हुआ है तो उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है अगर कोई भी इसके अंदर मौजूद होता तो उसकी जान नहीं बचती। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या आपका तमाम जानकारियों के लिए। और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे नंद कुमार ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की स्थिति अब ठीक नहीं है, बीजेपी अब पहले जैसी पार्टी नहीं रही है, मैं नई बीजेपी को पीछे छोड़ चुका हूं। साथ ही चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि संगठन जहां से चाहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। आप जानते हैं मुख्यमंत्री जो मुद्दा देखा रखते हैं मुख्यमंत्री आगे भी चल रहा था कि ढाई महीना पहले मैंने पीर बाबा का भी नाम करता था लेकिन करता था तो चुनाव आने वाले हैं अभी मैं पार्टियाँ करती हैं वो मुख्यमंत्री का पहले हमारा अपना नहीं पहली बार ये किया गया है। पीर बाबा को मैं सोचता हूँ उससे पार्टी को लाभ भी होगा चुनाव भी होगा। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री किसानों के बारे में जो कार्यक्रम देते हैं उसमें खुद और उनकी सरकार बेहद कंफ्यूज है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहली बार छत्तीसगढ़ के जितने किसानों को मिला था हर साल उसके नाम्स क्यों बदल जाते हैं? अगर किसानों के खाते सही थे तो उनको लगातार मिलते रहना चाहिए। तो लगभग हर किस्त में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि होता है उसमें लगातार कटौती, केवल छत्तीसगढ़ का सवाल नहीं है अनेक राज्यों में भी वसूली शुरू हो चुकी है और अभी उन्होंने जो लॉन्च किया है इसका कितना लाभ मिलेगा और देते कितना है? 500 रुपये महीना निराश्रित पेंशन से भी कम किसानों का सम्मान। प्रधानमंत्री की नज़र में इस देश का किसान अन्नदाता होता है, उनकी हैसियत उनकी अहमियत निराश्रित और सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों से भी कम है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अगर लॉन्च करना है बढ़ाना है तो ये किसानों के हित में फैसला होना चाहिए तो ज़्यादा इसकी राशि बढ़ना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा ये बता दें कि उनकी तरफ से कहना है। और गोरेला में ये कार्यक्रम था जहां पे नंद कुमार विधानसभा चुनाव को लेकर वो बयान देने गए थे और ऐसे में ये तस्वीर उस समय की है जब नंद कुमार पहुँचे थे और वहाँ पे उन्होंने माल्यार्पण भी किया था। तो तस्वीरों में नज़र आ रहा है किस तरीके से नंद कुमार पहुँचे हैं। और मोदी सरकार किसान प्रमाण योजना पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी जो आरोप लगाती है उस बारे में केंद्र से पूछना चाहिए। किसानों के लिए नियम हर साल क्यों बदल दिए जाते हैं? नियम बदल ले जाएंगे तो किसानों को दिक्कत होगी ही। किसान सम्मान निधि के नाम पर किसानों को मोदी सरकार छल रही है। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री किसानों के बारे में जो कार्यक्रम देते हैं उसमें खुद और उनकी सरकार बेहद कंफ्यूज है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहली बार छत्तीसगढ़ के जितने किसानों को मिला था हर साल उसके नाम्स क्यों बदल जाते हैं? अगर किसानों के खाते सही थे तो उनको लगातार मिलते रहना चाहिए। तो लगभग हर किस्त में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि होता है उसमें लगातार कटौती, केवल छत्तीसगढ़ का सवाल नहीं है अनेक राज्यों में भी वसूली शुरू हो चुकी है और अभी उन्होंने जो लॉन्च किया है इसका कितना लाभ मिलेगा और देते कितना है?
₹500 महीना निराश्रित पेंशन से भी कम किसानों का सम्मान, प्रधानमंत्री की नज़र में इस देश का किसान अन्नदाता होता है, उनकी हैसियत, उनकी अहमियत निराश्रित और सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों से भी कम है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अगर लॉन्च करना है, बढ़ाना है, तो ये किसानों के हित में फैसला होना चाहिए, तो ज़्यादा इसकी राशि बढ़ना चाहिए। और इस बीच कांकेर से जानकारी आ रही है कि पुलिस ने फरार चल रहे कैदी को किया है गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है पुलिस ने। कांकेर कोर्ट में पेशी से वापस लाने के दौरान हुआ था फरार और पुलिस ने ये कैदी को गिरफ्तार एक बार फिर से कर लिया। दुष्कर्म के मामले में न्यायालय में किया गया था आरोपी को पेश। फरार हुए कैदी से पुलिस विभाग के सुरक्षा पर उठ रहे थे कई सवाल और ऐसे में सवालों का जवाब देते हुए पुलिस ने एक बार फिर से इसको गिरफ्तार कर लिया है। कैदी को बता दें कि जब पेशी होनी थी तब ये फरार हो गया था और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक बार फिर से इसको गिरफ्तार कर लिया है। यही वो कैदी है जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो कांकेर कोर्ट में पेशी से वापस लाने के दौरान ये कैदी फरार हो गया था जिसको पुलिस ने एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। तो दुष्कर्म के मामले में न्यायालय में किया गया था आरोपी को पेश और जैसे ही पेशी करके वापस आ रहे थे उस दौरान पुलिस को चकमा देकर ये कैदी फरार हो गया था जिसको पुलिस ने एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया है। कांकेर की घटना है जहां पे पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि जब से फरार हुआ था ये व्यक्ति तब से पुलिस प्रशासन पे कई सवाल खड़े हो रहे थे। इसके बाद से मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी एक बार फिर से कर ली है। तो कांकेर कोर्ट में पेशी से वापस लाने के दौरान हुआ था ये कैदी फरार और ऐसे में पुलिस को चकमा देकर ये कैदी फरार हो गया था जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है और ऐसे में कई दिनों से पुलिस लगातार ढूंढने का प्रयास कर रही थी लेकिन कोई भी अता पता नहीं चल रहा था और ऐसे में पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लग चुकी है क्योंकि लगातार जब से फरार हुआ था पुलिस पे कई सवाल खड़े हो रहे थे, पुलिस प्रशासन की लापरवाही पे कई सवाल खड़े हो रहे थे और ऐसे में मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी कर ली है। एक बार फिर से बता दें कि जब कोर्ट से वापस आ रहे थे तब पुलिस को चकमा देके ये कैदी फरार हो गया था। तस्वीरों में जो आपको नजर आ रहा है यही वो कैदी है जो फरार हो गया था पुलिस को चकमा देके और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय से यानी कि कोर्ट से वापस लौट रहा था ये कैदी। उस दौरान पुलिस को चकमा देके ये कैदी फुर हो गया था, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? जी आपको बताना चाहूंगा कि ये घटना कांकेर जिला मुख्यालय की है। दुष्कर्म का आरोपी मोहनीश पड़ोपी जिसको कांकेर कोर्ट में पेशी में लाया गया था, पेशी खत्म होने के बाद उसे जिला जेल में वापस ले जाया जा रहा था तब वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया जिसको लगातार पुलिस खोजती रही। उसके बाद करीब 30 घंटे के बाद मुखबिर की सूचना पर तो कैदी के साथ कितनी पुलिस उस वक्त मौजूद थी? करीबन 5 से 10 के करीब पुलिस मौजूद रही थी जो उन्हें कोर्ट से जेल दाखिल करा रही थी। तो निपेंद्र 5 से 10 पुलिस कर्मी मौजूद थे और एक कैदी फिर भी चकमा देके फरार हो गया? जी जी एक बड़ा सवाल है पुलिस विभाग पर उनकी सुरक्षा पर कि एक कैदी जो इतने पुलिस कर्मियों के सुरक्षा में था आखिर वो भागने में कैसे कामयाब हुआ? कितने दिनों बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है भागने के बाद? भागने के बाद करीब 30 घंटे के अंदर पुलिस ने उस कैदी को कांकेर से लगे गड़िया पहाड़ में से बरामद किया रात के करीब 1 से 1.5 बजे। किस तरीके की पुलिस ने किस तरीके से अभियान चलाया उसके बाद गिरफ्तारी की गई इस कैदी की? लगातार पुलिस कैदी के फरार होने के बाद कांकेर में सर्चिंग अभियान जारी रखी थी और मुखबिर से सूचना मिला कि कांकेर के राजापारा में स्थित गड़िया पहाड़ में कैदी के छुपे होने की खबर मिली जिसे घेराबंदी करके पुलिस ने उक्त कैदी को गिरफ्तार किया। चले तो 30 घंटे में गिरफ्तारी हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया निपेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।